हाय ओम नमः शिवाय। सीआरएस कैलकुलेटर जो है वो एक ऑनलाइन टूल है, तो उसके लिए अब मैं आपको वेबसाइट के थ्रू समझाऊंगा कि इसमें आपको अपना प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है। हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहां पे टाइप करेंगे google.com, लिखेंगे सीआरएस। जैसे ही आप एंटर करेंगे इसमें आपको ये बहुत सारे रिजल्ट्स शो करेगा, तो इसमें जो सबसे पहला आ रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से ये आपको कनाडा की जो वेबसाइट है कैनेडियन गवर्नमेंट की CIC वाली, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा आपको, उस वेबसाइट पे ये ले जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम ब्रैकेट में CRS टूल। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको डालने हैं अपने प्रोफाइल के हिसाब से, और ये आपका स्कोर जो है कैलकुलेट कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लोगों का जो प्रोफाइल है वो सेम नहीं होता, सभी लोगों का अपना अपना प्रोफाइल होता है। कोई IT से होता है, कोई अकाउंट्स, कोई मेडिकल, अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, तो सबका अपना प्रोफाइल अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ उस एग्ज़ाम्पल के बिहाफ पे आप अपना प्रोफाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैं जस्ट एक अपने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगा कि इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी होती हैं, तो आप भी अपने प्रोफाइल के हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें डालना और उसी हिसाब से ये आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करेगा। सबसे पहला है चूज योर मैरिटल स्टेटस, यानी कि ये आपकी शादी का स्टेटस आपसे पूछ रहा है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एक क्लिक अपना चूज कर सकते हैं जो आपका ओरिजिनल है वो। हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आप कितने वर्ष के हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो नीचे एक ड्रॉप डाउन है यहाँ से आप अपना एज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ये पूछता है व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपकी शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है, आपकी एजुकेशन कितनी है, यहाँ पे वो ये पूछना चाह रहा है। अब एजुकेशन का जो लेवल है उसको इसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले ये पूछता है कि क्या आपके पास कोई भी कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट है, या उसके अलावा यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्या आपने जहाँ से भी शिक्षा ली है उन सभी डॉक्यूमेंट्स का एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट कराया है। ये ECA एक प्रोसेस होता है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। जस्ट ये आपको पूछ रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है आपका, यानी कि जो आपने एजुकेशन ली है, क्या वो एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट्स में पास हो सकती है। तो हम बोलते हैं हाँ वो पास हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट या जो जेन्युइन है वो एजुकेशन हम लोगों ने ली हुई है और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज हमारे पास में हैं। तो यहाँ पे नीचे ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी एजुकेशन कितनी है। तो मैं यहाँ पे जो हूँ वो बैचलर्स डिग्री जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, मोस्टली जो ग्रेजुएट लोग होते हैं। यदि आपकी शिक्षा उसके ऊपर की है तो आप उसमें भी अपने प्रोफाइल के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यदि आपने MA किया है, MBA किया है, या आपने डॉक्टर्स डिग्री होल्ड की हुई है, यानी कि आप डॉक्टर हैं, तो आप PhD भी अपना जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एजुकेशन इसमें बढ़ाएंगे उसी तरह से आपके पॉइंट्स भी और ज़्यादा बढ़ेंगे, बट बी इंश्योर कि ये आपका जेन्युइन यानी कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके टेस्ट में डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट पाए जाते हैं, फर्जी पाए जाते हैं, तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपसे पूछता है कि क्या आपके पास कोई कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, तो हम लोगों के पास में नहीं है और हमने इसमें लिख दिया है नो। नेक्स्ट जो है इसमें ये पूछता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच है, क्या आपने उसका कोई टेस्ट क्लियर किया है, और वो टेस्ट आपका, उस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा यस, हम लोगों ने जो है वो टेस्ट दिया है और उसका जो रिजल्ट है उसको अभी पूरे 2 साल नहीं हुए हैं। ये 2 साल का जो चक्कर है वो ये है दोस्तों कि कोई भी जब आप टेस्ट देते हो उसकी वैलिडिटी जो है, उसके रिजल्ट की वैलिडिटी वो सिर्फ 2 साल की होती है। फ्रेंच का है, इंग्लिश का है, आइल्स है, IDP, ब्रिटिश, सेल्पिप, कोई भी टेस्ट है, इन सभी की वैल्यू 2 साल तक होती है। यदि 2 साल आपके पूरे हो जाते हैं तो आपको ये टेस्ट फिर से देना होगा। इस टेस्ट में आपको फिर से अपने डिजायर बैंड्स लेकर आने होंगे। यदि आप इस स्टेज पे आके नो सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका कोई भी CRS कैलकुलेटर स्कोर नहीं शो करेगा, क्योंकि ये उनके लिए एक मैंडेटरी स्टेज है जो आपको करना होगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए आप इसमें डाल दीजिए अभी के लिए यस,
और अपने डिज़ायर बैंड्स जो है वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी आपसे पूछता है यस करने के बाद कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कौन सा ऑफिशियल टेस्ट दिया है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन ये शो करता है, सेल्पीप, आइल्स और TEF। तो इंडिया में जो है अभी सेल्पीप है और आइल्स है, तो हम लोग जर्नली जो सिलेक्ट करते हैं वो आइल्स करते हैं अभी के लिए। अब इसमें मैं स्पीकिंग के अंदर 7 बैंड सिलेक्ट करता हूँ, लिसनिंग में मैं 8 बैंड सिलेक्ट करता हूँ, रीडिंग में मैं 7 बैंड सिलेक्ट करूँगा और राइटिंग में मैं 7 बैंड सिलेक्ट करूँगा। सो बेसिकली ये जो मैंने बैंड सिलेक्ट किए हैं ये डिज़ायर बैंड्स हैं। अगर आप इंडिया से वर्क वीज़ा या PR के लिए जाना चाहते हो तो मिनिमम आपके किसी भी टेस्ट में जो है वो 8777 इसको बोला जाता है कि इसमें आपका 8777 का बैंड होना चाहिए आइल्स में। लिसनिंग में जो है हमेशा जो बैंड्स आते हैं आपके स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में, तो लिसनिंग में हमेशा 1 बैंड आपका ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में आपको पूछता है कि क्या इसके अलावा आपने कोई भी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट दिया है और उसका जो रिज़ल्ट है उसको भी 2 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ नहीं, बट जिन लोगों ने जैसे फ्रेंच का कोर्स किया हुआ है और उन्होंने अपना टेस्ट भी दे रखा है और रिज़ल्ट उनके पास में है और 2 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो वो लोग यहाँ पे अपना यस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि उनके पॉइंट्स जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास अभी आइल्स का या सेल्पिप का लैंग्वेज टेस्ट रिज़ल्ट है वो NF है, वो मैंडेटरी है एक लैंग्वेज टेस्ट को क्लियर करना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ही लैंग्वेजेस का जो टेस्ट है वो आपने दे रखा हो और आपके पास दोनों का रिज़ल्ट हो, लेकिन एक मैंडेटरी है, 2 मैंडेटरी नहीं है। अगर दूसरा आपके पास है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगला जो सवाल है, अगले सवाल में ये हमसे हमारे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है कि आपको कितना कार्य करने का अनुभव हो चुका है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है कि आपको विद इन कैनेडा में अगर कोई एक्सपीरियंस है, पिछले 10 सालों में आपने कोई काम किया है तो आप वो बताइए, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। ये 1 साल से कम वाले लोगों को नहीं अलाउ करता है एक्सपीरियंस इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे आप जो हो, यदि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है और उसको 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, यानी कि आप 1 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं कैनेडा के अंदर ऑफिशियली लीगली, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में मैंने अभी तक कनाडा में कोई काम नहीं किया है और ना ही मेरे पास कोई लीगल एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नो, यानी कि मैं इसको एज इट इज़ जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ कि नन और लेस देन अ ईयर। नाउ पार्ट बी में जो ये पूछता है कि आपने अभी तक पिछले 10 सालों में कनाडा के बाहर अगर काम किया है तो आपके पास उस हिसाब से कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे ये जो है मैक्सिमम 3 ईयर रखता है बाहर के लिए एज ए फॉरेन एम्प्लॉय, तो मेरे पास में 3 के आगे ऑप्शन नहीं है। मेरे को वैसे काफ़ी समय हो चुका है काम करते करते, मगर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन जो है वो 3 साल तक का है, उसके आगे मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं हाईएस्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल 3 ईयर और मोर, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और अ फेडरल बॉडी? तो हमारे पास जो है वहाँ की भी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोविंस की, और ना ही हमें किसी फेडरल बॉडी ने वहाँ पे कोई ट्रेनिंग या कोई एक्सपीरियंस या कोई स्किल्ड सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है, मतलब कि हमारे पास में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है वो नो डाल देंगे। आपके पास में कोई LMI है, कोई वैलिड जॉब ऑफर है आपके पास में? तो हमने सेलेक्ट किया नहीं, हमारे पास में कोई भी जो है वो LMI अप्रूवल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि डू यू हैव ए नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ए प्रोविंस और टेरिटरी? लाइक ये आपको पूछ रहा है कि क्या किसी प्रोविंस की तरफ से आपके पास कोई नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है? तो नॉर्मली नहीं होता है हम लोगों के पास में ये, तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा नो। मेरे पास में कोई भी प्रोविंस नॉमिनी सर्टिफिकेट, यानी कि मेरे पास में कोई भी PNP नहीं है, इन्विटेशन नहीं है मेरे पास में, जो कि स्टेट्स आपको टाइम टू टाइम बुलाती हैं कि भाई हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, आप आ जाइए और ये हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं, तो वो भी हमारे पास में नहीं है, जनरली नहीं होता है लोगों के पास, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपका या आपकी वाइफ का या आपके कॉमन लॉ पार्टनर का कनाडा के अंदर रियल ब्लड सिस्टर, ब्रदर हैं जिनके पास में कैनेडियन सिटीजनशिप हो या वो यहाँ पे PR पे बेस्ड हो? तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन वाला
भाई या बहन वहाँ पर हैं, तो वो आपको जो है जैसे आप इसमें यस करेंगे तो आपके पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। बट हमारा कोई जानकार नहीं है तो हम लोग यहाँ पे अभी नो लेके चलते हैं इसको। अब मैं क्लिक करूँगा कैलकुलेट योर स्कोर पे और नीचे जो है मेरा पूरा स्कोर बोर्ड तैयार होके आ जाएगा इस तरह से, ये देखिए। तो मेरा जो ग्रैंड टोटल आ रहा है वो 429 अभी ऑटोमेटिकली जो है वो CRS कैलकुलेटर ने कैलकुलेट किया है। इसके साथ में आप अपना ये जो कार्ड है इसमें आप अपना इंडिविजुअल स्कोर देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे एज जो सिलेक्ट की थी वो मुझे उसके 110 नंबर मिले हैं, एजुकेशन जो है मेरी बैचलर्स उसके मुझे 120 नंबर मिले हैं, स्टडी मैंने कनाडा में की नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज में मेरे को 124 नंबर मिले हैं और मेरे पास कोई कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे यहाँ पे उसका 0 मिला है। मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मेरे कोई एजुकेशन नहीं है, मेरी जो स्पाउस फैक्टर हैं वो सब में मुझे 0 मिला है। उसके बाद में मेरी स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर हैं वहाँ पे मुझे जो है वो 25 नंबर मिल गए हैं एजुकेशन के। सो इस तरह से जो है आपका पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है, जो जो क्वेश्चंस के आंसर आपने डाले हैं उसका इसने ब्रेकअप दे दिया है और आपका टोटल स्कोर यहाँ पे शो कर दिया है। इसमें स्कोर पे बहुत इम्पैक्ट आता है। 30 तक जो है इसमें जितने भी नंबर हैं, 30 साल अगर आपकी उम्र है तो आपको वो प्लस पॉइंट में मिलते हैं, मगर उसके बाद हर साल जैसे आप 31 के होंगे तो आपके पॉइंट्स जो है वो माइनस में जाने लगेंगे। हर साल जो है वो 6 पॉइंट आपके कम होते रहेंगे जैसे जैसे एज आपकी 30 के ऊपर बढ़ती जाएगी। 31 पे होने पे आपको 6 पॉइंट कम हो जाएंगे, 32 पे होने पे आपके टोटल 12 पॉइंट कम हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये एज को भी जो है वो फैक्टर मान के कैलकुलेट करता है। अब इस स्कोर के बाद इसमें नंबर कहाँ कहाँ बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, देखो एज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप क्या बढ़ा सकते हो, आप अपना एजुकेशन लेवल बढ़ा सकते हो, दूसरा आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट स्कोर है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो दोबारा से पेपर दे के, तीसरा आप इसमें क्या इंक्रीज कर सकते हो कि आप अपनी वाइफ को भी जो है वो आइल्स के लिए बोल सकते हो, अगर वो आइल्स देती हैं तो आपका स्कोर डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज करता है और आपकी वाइफ की जो एजुकेशन है उससे भी आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हो, ये पूरा लीगल वे है और इसी बिहाफ पे जो है आपकी जो प्रोफाइल है वो एक्सप्रेस एंट्री पूल में एंटर कर जाती है। ये आपको जस्ट एक पिक्चर मैंने दिखाई है कि इस तरह से जो है पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप एक्सप्रेस एंट्री में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो मिनिमम जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि इस साल जो मिनिमम गया है वो 449 गया था जनवरी में, और मेरा मानना ये है कि जब साल की जो शुरुआत है अगर वो 449 से हुई है तो साल का जो अंत है वो 430-425 हो सकता है 420 तक भी आ जाए। तो जिन लोगों का ये स्कोर हो रहा है उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इनविटेशन टू अप्लाई का अप्रूवल मिल जाएगा और वो लोग जो है लीगली तौर पे अपना जा सकते हैं कनाडा। आपके स्कोर की जो समरी है वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि इस तरह से जो है आप अपना पूरा ब्रेकअप चेक कर सकते हैं कि समरी ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स पर फैक्टर फॉर एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स। तो इस तरह से एज है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपका भी और स्पाउस का भी दोनों का जो है वो पॉइंट फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर फैक्टर्स वो भी यहाँ पे जो है उनका भी इन्होंने काउंट कर लिया है। तो ये पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड है आपके बारे में, जो जो आंसर आप वहाँ पे इंसर्ट करोगे उसी के बेसिस पे ये आपको पॉइंट जो है बना के एक दे देगा। इसलिए ये पॉइंट जो कैलकुलेट करता है इसी को पॉइंट कैलकुलेटर बोलते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स और उस केस में आपको कितना फ़ंड रिक्वायर्ड होता है। तो यदि आप अकेले जा रहे हैं तो आपको जो है वो $12,475 लगेंगे कैनेडियन। सो मिनिमम आपके पास में करीबन 6.5 से 7 लाख रुपए होने चाहिए यदि आप अकेले आ रहे हैं। अगर आप दो लोग जा रहे हैं तो आपके लगेंगे 15,531, तीन लोग जा रहे हैं तो $19,093, और यदि चार लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके लगेंगे $23,181। ये जो फंड्स हैं ये इतने की रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी ही रहेगी। तो इतना जो है आपके पास में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैनेडियन डॉलर को INR से, तो आपको लगभग एक अमाउंट लमसम मिल जाएगा कि अप्रोक्स इतना अमाउंट तो आपको मूव करने के लिए चाहिए ही चाहिए फंड शो के केस में।